गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। उम्मीद है भाई सब अच्छे होंगे। मैं हरीश सागर आपका अपने चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए से वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन अब हम सही हैं तो आपके साथ बिल्कुल यहीं हैं, तत्पर हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर की संरचना। आप इसे बोल सकते हैं कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना होता क्या भी, तो कंप्यूटर के अवयव यानी कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के अवयव इन कंपोनेंट्स और उनके मध्य संबंधी कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाते हैं। लगभग सभी कंप्यूटर की संरचना एक समान या एक जैसी ही होती है। पहली बार जो हमें ये कंप्यूटर संरचना देखने को मिली थी, ये हमें मिली थी सन 1970 में। किसने मिली थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने। फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस कराया गया, प्रस्तावित की गई थी, ये थे कब की थी? सन 1970। ठीक है, किस वैज्ञानिक कौन थे भाई जिन्होंने करवाया था? ये वैज्ञानिक थे जॉन वॉन न्यूमैन। कौन से थे? जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन जिन्होंने सबसे पहली बार कंप्यूटर की संरचना को प्रस्तावित किया था। ठीक है, यह बताया था। ठीक है, लगभग सभी कंप्यूटर एक जैसा ही काम करते हैं। सभी का काम क्या होता है? सबसे पहले इनपुट डाटा लेना, फिर उसको प्रोसेस करना, उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद उसका जो भी परिणाम, इनके इन्फॉर्मेशन होगी, रिजल्ट, ये हमें डिवाइस द्वारा उसको पहुंचा देना, यानी कि हमारे पास तक पहुंचा देना। ठीक है, तो किस पर काम करता है देखते हैं हम। कंप्यूटर की संरचना कैसे कैसे काम करती है, क्या होती है, किन से मिलकर बनती है। कंप्यूटर की संरचना चार चीज़ों से मिलकर बनती है। मिलकर बनती है बनती है कौन कौन से होते हैं भाई ये चार पार्ट? सबसे पहले आपका इनपुट यूनिट, दूसरे पार्ट आपका आउटपुट यूनिट, तीसरे नंबर बात आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नंबर चार पर आता है आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें इनपुट यूनिट होता क्या है। जिसको भी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो हमारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को होता है ना भाई, किसी स्टूडेंट खास मंदा चलता तो साथ साथ में नोट नहीं हो पाता, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक मिनट के लिए हट रहा हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलेंगे इसमें। चलो भाई, अब इसको हम रफ करते हैं, चलते हैं आगे।
इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे भाई हम इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट होती क्या है? इनपुट यूनिट कंप्यूटर में डाटा एंटर करने ठीक है का काम करती है। इस यूनिट द्वारा या इस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है, इनपुट किया जाता है, वे सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट कहलाते हैं। ठीक है, ये इनपुट यूनिट के अंदर ही आते हैं। ये क्या काम करते हैं? कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, उसके बाद डेटा को रीड करते हैं। डेटा को रीड करने के बाद कंप्यूटर की भाषा 0101 में बदलते हैं, बाइनरी भाषा जो होती है। ठीक है, उसके बाद इसे प्रोसेसर के लिए भेज देते हैं। तो ये काम होता है आपके इनपुट यूनिट का। ठीक है, अब आते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट क्या होता है? आउटपुट यूनिट क्या है? जैसे हमारे पास में डाटा आया, इनपुट डिवाइस द्वारा डाटा आया हमारे पास में इनपुट यूनिट द्वारा, उसे सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद में यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है हम आपका हम आउटपुट यूनिट द्वारा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, या प्राप्त करते हैं। तो मैं भी आपको जब सीपीयू समझाऊंगा तो मैं आपको इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बारे में भी बता दूंगा साथ साथ में। तो कंप्यूटर के वे डिवाइस या कंप्यूटर के वे उपकरण जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन सूचना या रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है, वे हमारे आउटपुट यूनिट कहलाते हैं। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं सीपीयू। यहाँ पर आप इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट दोनों समझ लेंगे साथ साथ में भी एग्जांपल के थ्रू में। तो मैं इसको रेफर दे रहा हूँ। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले समझ लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है। जैसे भाई पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, जब कंप्यूटर नहीं थे तो हम हस्तलिखित सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि हस्तलिखित प्रोसेसिंग करते थे डेटा की। जैसे आप कहीं भी आपसे 5 साल या 10 साल पहले जाओगे तो जैसे भी आप कहीं बिल भरने गए तो वहाँ कोई भी हिसाब किताब जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी सही, तो ये सब चीज़ हाथों द्वारा ही हाथ से गणना मैनुअली गणना की जाती थी शुरू शुरू में। अब से करीबन 10 साल पहले कहीं भी आप देखने को मिल जाएगा वहाँ पर मैनुअल गणना होती थी। किसी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं होता था, किसी चीज़ का भी यूज़, सब चीज़ अपने हाथ कॉपी पेंसिल द्वारा ये चीज़ की जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ ये चीज़ डिजिटल हो गई है, अब सब चीज़ कंप्यूटर द्वारा होने लगी है। ठीक है, तो इसे हम EDP भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आपसे पूछा जाता है भाई DP यानी डेटा प्रोसेसिंग और EDP में क्या अंतर है। एक तो होता है हस्तलिखित डेटा प्रोसेसिंग जो अपने हाथों से की जाती है, और एक होती है EDP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो डिजिटल कंप्यूटर द्वारा की जाती है। ठीक है, सब कंप्यूटर में सबसे पहले जो CPU था वो कौन सा बना था और या कौन सा लगा था। ठीक है, तो दोनों चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहला जो CPU बना था, फर्स्ट CPU, CPU कौन सा था? ये था भाई आपका इंटेल का 4004 जो भी यूज होता है हमारा, जो फर्स्ट टाइम जो यूज हुआ था कंप्यूटर में वो था हमारा इंटेल का 8008। जो हमारा फर्स्ट टाइम यूज हुआ था वो था हमारा इंटेल का 8008। अब CPU काम क्या करता है, कैसे काम करता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल के माध्यम से। इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस, ठीक है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये आपकी, ठीक है, और आपकी इसमें आएगी ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, और कंट्रोल यूनिट, यूनिट और आपकी मेमोरी यूनिट।
मेमोरी यूनिट, इसके बाद आएगा आपका आउटपुट। आउटपुट यूनिट अब ये काम क्या करता है, जैसे भी हमने कोई भी डाटा इसमें एंटर करा, कोई भी डाटा हमने एंटर करा जिस सीपीयू में जाएगा डाटा, तो ध्यान रखें मैं आपको इसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू तीनों चीज़ ही समझाने वाला हूँ इस एग्जांपल के माध्यम से, तो समझेंगे। चलते हैं बोर्ड पर। हमने कोई भी डाटा इसमें एंटर करा, यानी कि कंप्यूटर के वे डिवाइस जिनसे जो जिनसे कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जा सकता है, या वे, या आप दूसरी भाषा में कहें तो कह सकते हैं कंप्यूटर वे डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा एंटर या इनपुट करने के लिए यूज़ होते हैं, काम आते हैं, उन्हें कहते हैं हम इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट। तो इसमें आता है कौन कौन से आते हैं, इसमें आ जाएंगे आपके कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, माइक्रोफोन, ईटीसी इत्यादि। ठीक है, ये तो हो गया भाई आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सॉरी ये हो गया आपके इनपुट डिवाइस जो भी कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए काम आते हैं, आपके लाइट कैम हो, वेब कैमरा हो, इत्यादि जो भी चीज़ रहेंगी। ठीक है, अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर का वे डिवाइस जो डेटा का प्रोसेसिंग होने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट हमें प्राप्त कराते हैं, जैसे कि आपके हो गए सबसे पहले प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, स्पीकर के बाद में आएगा आपका पोलोटर कह सकते हैं आप, इत्यादि। ठीक है, कंप्यूटर वे डिवाइस जो भी हमें कंप्यूटर डेटा की क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनके रिजल्ट प्राप्त कराते हैं। अब आपने इनपुट पुट डिवाइस जान लिए, आउटपुट डिवाइस जान लिए। कंप्यूटर वे डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा एंटर करने का काम आते हैं, इनपुट करने का काम आते हैं, वे उन्हें कहते हैं हम इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर वे डिवाइस जो हमारे प्रोसेस हुए डेटा को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी कि उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं या उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, उन्हें कहते हैं हम आउटपुट डिवाइस। जैसे भाई हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमने जैसे मान लो कोई भी पिक्चर बनाई, एमएस पेंट का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सेव बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो बनाया तो हमने किसके द्वारा है, एम एस पेंट में माउस द्वारा। ठीक है, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, एम एस पेंट सॉफ्टवेयर ये भी एक। ठीक है, लेकिन हमें दिखेगा कहाँ पर, ये हमें दिखेगा मॉनिटर पर शो होगा भाई, ये हमारे क्या होगा मॉनिटर पर शो, और इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसकी हार्ड कॉपी कहाँ से निकाल सकते हैं, प्रिंटर से। ठीक है, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी वही हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर बताता हूँ। सॉफ्ट कॉपी हो जिसे हम केवल देख सकते हैं, जैसे भी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप मुझे केवल देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, लेकिन छू नहीं सकते। ठीक है, तो ये होगी आपकी सॉफ्ट कॉपी। अगर मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ या फिर मान लो मेरे कोई पिक्चर होती है आपके सामने, आप उसे छू सकते थे, उसे आप कह सकते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, जैसे भी हमने इसी या फिर दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाले से आपने सेव बनाया, लेकिन आप इसे सिर्फ मॉनिटर पर देख सकते हैं, बिगर प्रिंटर से निकाले हुए इसे छू नहीं सकते, अपने हाथ में लेकर नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पूरी स्क्रीन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है, तो हम इसे केवल छू सकते हैं, छू नहीं सकते, देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे प्रिंटर की कोई भी A4 शीट या अगर जो भी हमें जिस पेज पर भी निकालना है शीट निकाल के उसका हम प्रिंट निकाल लें, तो हम इसे छू सकते हैं, तोड़ मोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हमारा मन करे उसके साथ में। ठीक है, तो ये होगी आपकी हार्ड कॉपी। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले जो हमारा सेव बना है, बनकर तैयार हुआ है, ये हमारे शो होगा आपके मॉनिटर पर, उसके बाद हम चाहें जैसे इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में आगे होंगे। अब देखते हैं इसका सीपीयू प्रोसेसर।
प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या होता है, एक छोटी सी माइक्रो चिप होती है, ये हमारे सीपीयू के अंदर लगी होती है। सीपीयू दरअसल क्या होता है, सीपीयू जिसे हम, जैसे अभी हमने अभी तक कंप्यूटर देखा है तो कुछ इस प्रकार का रहता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सब भी इसमें यहीं से ज्वाइंट हुए रहते हैं प्रोसेसर सीपीयू में, और इनके वायर भी सबके सीपीयू में ज्वाइंट हुए रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने अभी तक कंप्यूटर देखा जिसमें हमारे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये चीज़ ज़्यादातर लगी होते हैं। प्रिंटर भी एक्स्ट्रा प्रिंटर वगैरह भी लगे होते हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स हम लगा सकते हैं अदरवाइज और भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए ये कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड में इस प्रकार से बटन होते हैं। तो हमने इस प्रकार देखा, हमें क्या कहता है, हम इस चीज़ को सीपीयू समझते हैं आज तक, जो हम कहते हैं इसी चीज़ को सीपीयू समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी सत्य नहीं है। सीपीयू क्या होता है, इसके अंदर एक चिप लगी होती है, इसके अंदर एक माइक्रो चिप लगी होती है, उसे हम सीपीयू बोलते हैं। इस प्रकार से मैं थोड़ी सी बना के दिखाता हूँ आपको, इस प्रकार से कुछ वो सीपीयू होता है, उसमें डॉट डॉट के ऐसे खड़े वायर लगे होते हैं, और यहाँ पर छोटे 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 रजिस्टर बने होते हैं आपके। ठीक है, तो ये जो वायर होते हैं ये दरअसल स्टैंड पोजीशन में होते हैं, जब भी हम इसको मदरबोर्ड में लगाते हैं, तो जब भी हम जैसे सीपीयू अपना चालू करते हैं नॉर्मल, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा करंट सीपीयू में जाता है, वहाँ से सप्लाई हो गए और कंपोनेंट्स में हमारे पहुँचता है, इनके सबसे पहले हमारा सीपीयू ही चलता है, उसके बाद हमारे और कंपोनेंट्स में पहुँचता है, जो भी हमारे इस वाले डिब्बे में, यानी कि जिसमें हम जिसको हम नॉर्मल भाषा में सीपीयू बोलते हैं, इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हमारा मोनिटर वगैरह माउस वगैरह में करंट सप्लाई होता है। ठीक है, सीपीयू के बारे में हमने जान लिया क्या होता है, कौन सा सीपीयू कब इस्तेमाल हुआ, कब बना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सीपीयू में एक चीज़ और लगी होती है, मेमोरी। ठीक है भाई, यानी कि मेमोरी यूनिट, इसे भी समझ लेते हैं। मेमोरी यूनिट, मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, प्रथम मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपके रैम वगैरह आते हैं जो भी, ठीक है, करंटली कैसे मेमोरी वगैरह जैसे भी कैसे काम करते हैं ये आपको जो रैम और रोम पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, मेमोरी जो कंप्लीट करवाया जाएगा सब समझा दिया जाएगा, अभी थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे भी कोई भी हमने डेटा इसमें इंस्टॉल किया, इनके इंस्टॉल किया, या फिर हमने कोई भी डेटा पर काम करें, तो करंट में डेटा काम चल रहा होता है, वो चलता है आपके रैम में, रैम वगैरह में चल रहा होता है। लेकिन जो, ठीक है, और जो हम डेटा इसमें स्टोर करते हैं, यानी कि स्टोर करके रखते हैं, वो काम होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में वो काम, वो डिवाइस सारे वे मेमोरी के वे सारे पार्ट जिसमें डेटा स्टोर होता है आपके, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, SSD हो, ठीक है, या आपके सैंड डिस्क मेमोरी हो, इत्यादि जो भी है, ये जिसमें डेटा स्टोर होता है वो आते आपके आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, जिस डेटा केवल चल रहा होता है, चलाए विद्यमान रहता है, वो आते हैं आपके प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी वे पार्ट, वे मेमोरी होते हैं जिसमें डेटा डिलीट नहीं किया जा सकता, जिसमें डेटा डिलीट हम नहीं कर सकते, तो पहले से ही फिक्स होता है। ठीक है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के अपने हिसाब से डेटा को कस्टमाइज किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में चलते हैं हम। अभी आपने सीपीयू में लगा देखा था आपने मेमोरी, अब ALU की भी समझ लेते हैं, अर्थमेट होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU।
ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, इसमें आपकी सारी अंगणित गणनाएं होती हैं। क्या होती हैं भैया? सारी अर्थमेटिक यूनिटें, जो भी नाम सही जैसे कि आपको परिभाषित हो रहा है, अर्थमेटिक यानी कि अंगणित गणनाएं जितनी भी आपका जोड़ गणा, जोड़ गुणा, घटा, भाग, ठीक है, ये सभी इसमें होती हैं। इसमें एक संख्या जैसे हमने कैसे जो भी हमने जैसे डेटा करा 2+2, तो ये CPU के अंदर जाएगा और CPU के अंदर सीधी आपकी ALU में पहुँचेगा। किस में पहुँचेगा? ALU में। ALU में पहुँचने के बाद इसको जैसे 0101 0 में प्रवृत्त होगा, उसके बाद इसका जोड़ घटा गुणा भाग जो भी है होगा, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये हमें आपके प्रोसेस होने के बाद में कहाँ मिलेगा? मॉनिटर पर, मॉनिटर डिवाइस पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ घटा गुणा भाव एक एक और से इसमें जैसे हम डेटा एंटर करते हैं 2+2 या 2×2 कोई भी जैसा एंटर करते हैं अर्थमेटिक वाला, तो उसमें एक और से हम संख्या एंटर करते हैं इनपुट डिवाइस द्वारा, ये सारी हमारे ALU में जाते हैं। ALU में जाने के बाद में इसको हम हमारे जो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देता है, बदल देता है, उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन की जाती है, उसके बाद ये इसको फिर वापसी हमारी लैंग्वेज में ट्रांसफर किया जाता है आंसर आने के बाद, उसके बाद फिर हमें ये मॉनिटर पे इसका आंसर शो होता है। ये गणना बहुत ही तेज़ गति से, ये बहुत ही मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड से भी कम में होती है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, इसमें समझते हैं अभी। अब आपने ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी समझ ली, इसके बाद आते हैं हम कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कंट्रोल यूनिट जैसे भी आपने देखा होगा, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट तो ये क्या काम करती है? कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर में लगे होते हैं उन पर काम करने, इसका उन पर नज़र रखने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का, कि कोई भी कोई सा कंपोनेंट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ताकि जब भी हम कंप्यूटर ओपन करें या यूज़र कंप्यूटर ओपन चला रहा हो तो उसे कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर कोई भी हमारा कंपोनेंट्स ख़राब हुआ है कंप्यूटर के अंदर, तो ये हमें उसकी सूचना दे देती है। ठीक है, ये काम होता है मैं कंट्रोल यूनिट का। एक से एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं, जैसे भाई आपने देखो होगा हम कोई मकान वगैरह बनवाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका ठेका दे देते हैं किसी भी ठेकेदार को होते हैं ना, या फिर बिल्डर को या इंजीनियर वगैरह को ठेका उसका दे देते हैं, भाई आपको ये काम करवाना है। तो वो खुद तो करता नहीं है, वो क्या काम करता है, अपने मजदूर लेकर आता है, उनसे काम करवाता है और उन पर नज़र रखता है। तो सेम यही काम होता है, आप ये मान सकते हैं कंट्रोल यूनिट जो है इनका ठेकेदार है और कंपोनेंट्स जो हैं ये इनके मजदूर हैं, तो ये इनसे केवल काम करवाता है, खुद नहीं करता, इन पर बस नज़र रखने का काम करता है कि कौन सा काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये काम होता है आपका कंट्रोल यूनिट का। आगे बढ़ते हैं भाई इसके साथ में, आज की वीडियो का टॉपिक था भाई हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कंप्यूटर, ठीक है क्या, कंप्यूटर की संरचना। तो क्या हुआ इसमें, हमने आज आधा टॉपिक तो आज पढ़ लिया, आधा टॉपिक हम कल कवर करेंगे। कल इसमें पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट, रजिस्टर और आपके मदरबोर्ड, इंडक्शन चक्र, ठीक है, इंडक्शन साइकिल आदि जो भी इसके टॉपिक बचे हुए, इसमें लगभग इसे हम कल पूरा ख़त्म कर देंगे। इसके बाद इसके MCQ करवाए जाएंगे। तो हम आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।